Hi guys, good morning, how are you all? Welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil and today we will talk about hair color. आज हम बात करेंगे हेयर कलर के बारे में, टोंग के बारे में. आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, आप कौन सा टोंग मशीन यूज़ करते हो, हमें कौन सा टोंग लेना चाहिए, कोई सस्ता सा, चीप सा, अच्छा सा कोई आप टोंग मशीन बता दीजिए जो कि हम एक ही कलर को मल्टीपल यूजर्स के लिए हम यूज़ कर पाए. तो ऐसा कोई कलर है तो प्लीज़ बता दीजिए कौन सा ब्रांड हमें यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट कलर है, वगैरह 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 वगैरह. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं आप सभी लोगों के. तो आज मैं पर्टिकुलर एक कलर के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ और काफ़ी समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जिसका काफ़ी ऐसा रिजल्ट मुझे मिला है. डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड फॉर यू ऑल. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में टोंग मशीन के साइजेस, कलर के साइजेस क्या क्या आते हैं. कलर की बात करें, जैसे हम कर्ल करते हैं उसे हम कलर मशीन कहते हैं या टोंग भी कहते हैं बहुत सारे लोग, या आयरन कर्ल्स आप कहते हैं, ठीक है. तो कर्लर या आप कहते हैं आयरन कलर, आयरन मशीन, आयरन कलर कहते हैं बेसिकली, या आप कहते हैं टोंग. तो टोंग या आयरन कलर के साइजेस सबसे आता है आपका छोटा 8 से 10 mm का आपका टोंग आता है, 8 से 10 mm, ठीक है, सबसे छोटा साइज़ जिसको हम हॉट स्टिक भी कहते हैं. एंड उसके बाद साइजेस बढ़ते चले जाते हैं. उसके बाद आपका आता है 13 mm का, उसके बाद आता है आपका 15 mm का, उसके बाद आता है आपका 19 mm का, उसके बाद आता है आपका 22 mm का, ठीक है. उसके बाद आएगा आपका 25 mm का, उसके बाद 28, उसके बाद में 32 और उसके बाद में 38. तो यहाँ पे जो है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे 38 mm तक का आपको कलर मशीन मिल जाता है. सभी के कर्लिंग के साइजेस जो हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं. 10 mm जो कि आपका हॉट स्टिक है उससे आपका बिल्कुल मैगी कर्ल्स आपके बनते हैं काइंड ऑफ ऐसे. एंड 13 mm का थोड़ा सा इसका वर्जन थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा लूज आएगा, सॉफ्टर आएगा. 15 mm का थोड़ा और डिस्टेंस में आपके कर्ल बनेंगे. एंड 19 mm का आप करते हैं तो ये थोड़ा उससे भी और थोड़ा सॉफ्ट रहेगा. एंड 22 mm का ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ रहता है तो उससे आपके कर्ल्स जो है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं एंड लॉन्ग लास्ट भी चलते हैं. 25 mm थोड़ा सा और सॉफ्टर हो जाएगा आपका. एंड 28 mm थोड़ा सा और आपका मीन्स सॉफ्टर हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके जो जैसे जैसे टोंग का mm का साइज़ बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कर्ल्स के पैटर्न भी आपके सॉफ्टर होते चले जाते हैं, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कर्ल पैटर्न के अकॉर्डिंगली, या क्लाइंट आपको पिक्चर दिखाता है कि मेरे को ये हेयर स्टाइलिंग बनानी है, मुझे ये बनाना है, तो आप पिक्चर को देख के आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उस पिक्चर में, उस कर्ल्स पैटर्न में बेसिकली कौन सा कर्ल्स पैटर्न या किस मशीन से, किस कलर मशीन से, कौन सी mm की मशीन से वो कर्ल बना हुआ है, उसका कर्ल पैटर्न क्या है. कर्ल पैटर्न कई तरह के होते हैं आपके, बहुत सारे वेव्स के, नॉर्मल रोलिंग टेक्निक के थ्रू बनाते हैं हम, एंड क्लैम्प पैटर्न के थ्रू बनाते हैं हम, बीच वेव्स बनाते हैं, हॉलीवुड वेव्स बनाते हैं. तो कई तरह के कर्ल्स पैटर्न आते हैं एंड उसको हम वो मल्टीपल स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली कि क्लाइंट को किस तरह के कर्ल्स पैटर्न चाहिए, या आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अलग अलग तरह के कर्ल्स के पैटर्न बना के आप डिफरेंट स्टाइलिंग आप प्ले कर सकते हैं. ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं कलर मशीन की, जो आप एक कौन सा कलर मशीन हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रेगुलर स्टाइलिंग में अपने क्लाइंटेल के पास. शुरुआत में क्या है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपके पास में इतना बजट नहीं होता है, आपको एक मशीन चाहिए, कर्लिंग मशीन चाहिए जिससे आप कर्ल बना सको, तो वो कौन सा mm का आप लें जो आपके लिए सुटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो वो आप बाय कर सकते हो 22 mm का, ठीक है. 22 mm की टोंग आप बाई कर सकते हो, कलर आप बाई कर सकते हो, इसको आप मल्टीपल यूजर्स पे यूज़ कर सकते हो. नॉर्मली जो क्लाइंटेल स्टाइलिंग, जो हम क्लाइंटेल के ऊपर जो स्टाइलिंग करते हैं उन पे जो भी आप कर्ल्स बनाते हैं, चाहे आप वेव बना रहे हो, बीच वेव बना रहे हो, हॉलीवुड वेव बना रहे हो, तो ऑलमोस्ट इस 22 mm की टोंग से आप मल्टीपल तरह के कर्ल्स बना सकते हैं और मल्टीपल तरह की स्टाइलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं बाई वन आयरन रॉड मशीन, ठीक है.
तो आप बाई कर सकते हो, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप 22 mm का आयरन कलर मशीन आप यूज़ करें या टोंग मशीन यूज़ करें। एंड ब्रांड की बात करें तो ब्रांड मार्केट में बहुत सारे हैं, देखो आपका आइकॉनिक भी है, एलन ट्रूमैन भी है, आपका बेबलीज भी है, आपका मिस्टर बाबर भी है, वॉल भी है, तो बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, और आपका FRM भी है, आपका वेगा भी है, तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बाई करना है। तो अभी हम साइज़ की बात कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा साइज़ जो है वो सुटेबल है स्टालिंग के लिए। अभी हम साइज़ की बात कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा साइज़ बेस्ट है फॉर मल्टीपल स्टालिंग के लिए, कौन सा साइज़ आप ले सकते हैं आयरन कलर मशीन का, ठीक है। रही बात ब्रांड की बात, तो देखो ब्रांड बहुत सारे हैं, सभी के अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो मैंने यूज़ करे हैं कई टोंग्स, तो अभी जो मुझे पसंद आया है, जो मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एलन ट्रूमैन का टोंग, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। ये दिखने में इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका बिल्डअप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इट्स हैवी एक्चुअली, थोड़ा हैवी भी है, आपको फील होता है हाथ में कुछ आपने मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट आपने रखा हुआ है, बिल्कुल लाइट वेट भी नहीं है। एंड इसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इसका क्लैम्प भी काफ़ी अच्छा है, इट्स लेंथी एक्चुअली, ये काफ़ी लॉन्ग है, लेंथी भी है, एंड काफ़ी क्विक ये वार्म हो जाता है। वायरिंग की बात करें इसकी, तो इसकी वायर काफ़ी अराउंड 2 या 2.5 meters की इसकी वायर आती है, तो ये काफ़ी लंबी है आप देख सकते हो, एंड 2 plug points इसका आता है, तो आप इसको हेयर एक्सटेंशन के साथ में लगा सकते हो, एंड आप इसको जो है आप किसी भी प्लग पॉइंट पे, किसी भी आप पावर पॉइंट पे आप इसको लगा सकते हो, इट विल वर्क इजीली, ठीक है। तो ये आप 22 mm का टोंग आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा इसका एक्चुअली प्लस पॉइंट्स क्या हैं, एक तो इसका फाइबर जो भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ वो काफ़ी अच्छा है, इट्स हैवी एक्चुअली, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड आगे से आपको ये ग्रिप करने के लिए ये भी मिल जाता है कि आपको इसमें ये गर्म नहीं होगा, आगे से आप इसको ग्रिप कर सकते हो, एंड ये रोटेट, यहाँ से ये अटकता नहीं है, यहाँ से ये पूरा रोटेट होएगा, जब भी आप कॉलर बनाओगे या मशीन वर्क करोगे तो ये ईजिली यहाँ से रोटेट होती जाएगी। जो भी प्रोफेशनल में आपके जो भी प्रोफेशनल वर्क में जो भी आप कॉलर लोगे उन पे ये फीचर सब पे रहता है कि ये अटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, इसको आप पूरा 360 डिग्री पे पूरा ये रोटेट होता है, तो आराम से इसको आप कोई भी कलर बना सकते हो, आपकी वायर बीच बीच में उलझेगी नहीं, आपकी वायर बीच बीच में मीन्स अटकेगी नहीं, बीच में ये इसका मीन्स जब मुड़ जाती है ना वायर तो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो ऐसे फोल्ड अप नहीं होगी आपकी वायर बिकॉज ऑफ ये पूरा रोटेट होती है। एंड टेम्परेचर इसका 210 तक आप इसको हीटअप कर सकते हो एंड कवर बना सकते हो। मेन जो प्लस पॉइंट है इसका वो है इसका ये प्लेट्स, जो प्लेट्स है ये आर्गन ऑयल सीरम कोटेड प्लेट्स है, जो कि काफ़ी स्मूथ है, जब आप कर्ल्स वगैरह बनाते हो तो काफ़ी अच्छा इसका पैटर्न आता है। एंड इतने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी समय हो गया, 1.5 to 2 years मुझे हो गए हैं जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड अभी तक आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी इस पे स्प्रे एंड ऑल कुछ भी इसमें मीन्स स्टक नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, जमा हुआ नहीं है, ईजिली रिमूव हो जाता है जो भी आप स्प्रे वगैरह यूज़ करते हो। नहीं तो आपकी बहुत सारी टोंग मशीन में आपने देखा होगा जब आप स्प्रे करते हो या उनका सीरम कोटेड या जो भी रहता है वो जल्दी रिमूव हो जाता है, उसके बाद में आप जब स्प्रे करते हो तो सारा चिपक जाता है और वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। एंड जब आप उसमें कर्लिंग वगैरह बनाते हो तो बाल खिंचते अलग हैं, एंड उसका परफॉर्मेंस जो हो जाता है बहुत ही मीन्स बाद में क्या होता है कि जब उसमें स्प्रे वगैरह जम जाता है तो उसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ही लेस हो जाता है। आप कर्ल बनाते हो तो क्लाइंट के बाल खींचते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लस वो धीरे धीरे करके करके हीटअप होना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो स्क्रबर हो जाता है बेसिकली, बीच बीच में वो इतना स्मूथ नहीं रह पाता बिकॉज ऑफ हेयर स्प्रे, और वो बर्न अलग हो जाता है, ठीक है, मतलब बीच बीच में जो है वो इतना स्मूथ नहीं रह पाता, हेयर उसके बीच में से इतना स्लिप आउट नहीं कर पाता अच्छे से, तो वो एक स्क्रबर जैसा बीच में हो जाता है बिकॉज ऑफ हेयर स्प्रे की वजह से, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि आप इसको टाइम टू टाइम अगर क्लीन करते रहें तो आपका ये स्प्रे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इजी टू रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीन्स गूगल में सर्च करें, किसी भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपको इजीली मिल जाएगा। और इसका मैं आपको इफ़ेक्ट भी दिखा देता हूँ कि इसका लुक कैसे आता है, सो हम इसको ऑन कर लेते हैं, देन एक कर्ल पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट कैसे आता है। ओके सो हमने इसको ऑन कर लिया है, एंड नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल,
आपको कर्ल्स पैटर्न में करके दिखा देता हूँ। वैसे तो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी मैं इसी को यूज़ करता हूँ, तो आपने वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ ही है कि कैसे इसके कर्ल्स के पैटर्न आते हैं, रिज़ल्ट कैसे आता है। सपोज़ आप इसमें कोई कर्ल हम बना रहे हैं और इसको हम छोटा सा पतला सा सेक्शन लिया है हमने, नाउ आई एम जस्ट डूइंग आउटवर्ड कर्ल। ये बड़ा स्मूथली टर्न होता है, ये क्लैम्प पैटर्न के साथ में है, तो आपने यही वाला क्लैम्प पैटर्न के साथ ही लेना है। क्लैम्प पैटर्न के साथ में ये है कि आपका आप क्लैम्प पैटर्न वाले कर्ल्स आप बना सकते हो जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलते हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आता है। एंड आप चाहे तो अलग अलग तरह के वेव्स पैटर्न के साथ में बना सकते हो, रोलिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, बट जिनके साथ में क्लैम्प नहीं आता उसमें केवल आप रोलिंग टेक्निक ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सी आप देख सकते हैं इसका कर्ल्स पैटर्न कुछ इस तरह का कर्ल्स पैटर्न आपका बनता है। आप इसको चाहे दो तीन सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर लें तो भी इसका कर्ल पैटर्न आपको दिखेगा। साइड से मैं दिखा देता हूँ, सी तो कुछ इस तरीके के आपके इसके कर्ल्स के पैटर्न आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, बाउंसी लुक भी आता है और काफ़ी ये लॉन्ग टर्म पे भी चल जाता है। सो ओके गाइज, नाउ यू कैन फाइंड फॉर यू बेस्ट कलर, आप अपने लिए बेस्ट कलर आप देख सकते हैं। साइज़ जो रहेगा वो रहेगा 22 mm। ब्रांड देखो आप और भी आप ब्रांड यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, तो कई ब्रांडेड के प्राइजेज जो थोड़े से कम होते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, नहीं तो आप शॉप में जाके भी बाय कर सकते हो। बेटर रहेगा कि आप शॉप में जाके बाय करें, वहाँ पर आप प्रोडक्ट को देख सकते हो, उसका बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, टेम्परेचर कितना गर्म हो रहा है क्या है, आप उसको थोड़ा मैन्युअली आप उसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो, कर्ल बना के आप देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पता चल पाएगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, कंफर्टेबल है। तो बेटर है कि आप शॉप में जाके बाय करें, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हो, नहीं तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंगली आप एलन ट्रूमैन का भी ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट रियली, एंड मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई कैन सजेस्ट यू ऑल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आई कैन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो ओके गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आई कैन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में, अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पर कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।